यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बुधवार को सोलन में बीएसएनएल के एक अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। विजिलेंस की टीम ने बुधवार को बीएसएनएल के एसडीओ को 1,00,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये अधिकारी एक ठेकेदार से 1.40 लाख रुपए के किसी पुराने कार्य और धर्मपुर में निर्माणाधीन सीडीपीओ की बिल्डिंग में लगाई कुछ आपत्तियों को हटाने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। ठेकेदार ने इसकी शिकायत विजिलेंस को दी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ने डीएसपी योगेश रोल्टा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। इसके बाद पूरे प्लान के साथ एसडीओ को दबोचा गया। डीएसपी योगेश रोल्टा ने कहा कि मामले की तहकीकात चल रही है। तो यहां पर आपको बता दें कि एक एसडीएम को गिरफ्तार किया गया है, रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत ले रहा था ये एसडीएम। और आपको बता दें कि बीएसएनएल में ये कार्यरत है कर्मचारी और यहां पर ठेकेदारों से रिश्वत की मांग की गई थी। तो सोलन से एक खबर आपको बता रहे हैं जहां पर रिश्वतखोर एसडीएम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि बीएसएनएल में कार्यरत था और रिश्वत लेते हुए यहां पर गिरफ्तार किया है। ठेकेदारों से रिश्वत मांगी जा रही थी और ऐसे में रंगे हाथों इसे गिरफ्तार कर लिया गया है।